A very good morning, students. Today we are going to discuss some questions related to trapezoidal rule, Simpson's 1/3 and Simpson's 3/8 rule. कल हमने Simpson's 1/3, Simpson's 3/8 and trapezoidal rule formula find करा था, which is the limit x naught to x naught plus nh f of x dx is equals to h by 2 sum of the first and last ordinate plus twice the sum of all the intermediate ordinates. ये कब होता है? जब हम trapezoidal rule लेते हैं. Simpson's 1/3, इसमें क्या condition होती है कि sub intervals क्या होने चाहिए? Should be even, मतलब division of intervals should be even, है ना. जैसे अगर हमने interval 0 to 6 है, उसको 6 parts में divide करा, तो वो even हुई ना. तो that is divide करेंगे जो हम interval को, intervals divide interval should be even. और इस वाले केस में it should be multiple of 3, ठीक है ना. अगर हमने Simpson's 1/3 apply करना है तो n should be even. अगर हमें Simpson's 3/8 apply करना है तो n should be multiple of 3. उसी के according लगेगा. Formulas तो वही हैं जो हमने कल निकाले थे, ठीक है. Let us start with example. Example 1 is evaluate integration within the limit 0 to 6 1 by 1 plus x square dx by using trapezoidal rule. अब मुझे इसमें divide करना पड़ेगा interval को. Let us we divide, क्योंकि n की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है ना. वी डिवाइड इंटरवल 0 to 6 इंटू 6 इक्वल पार्ट्स सच दैट विड्थ इज, विड्थ मीन्स एच इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/1 प्लस ऑफ x square. तो यहाँ मैंने x का कोऑर्डिनेट लिया, यहाँ मैंने y के कोऑर्डिनेट्स लिए. तो यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x नॉट, x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6, क्योंकि n की वैल्यू 6 है. और y नॉट के कोऑर्डिनेट्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या आएंगे हमारे पास? y नॉट, y1, y2, y3, y4, y5, y6, ठीक है. x नॉट की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि मैंने सेट कर दिया है कि मैंने विड्थ 1 ली है, ठीक है. तो x नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंगली y नॉट की वैल्यू क्या होगी? इसमें x नॉट पुट करोगे तो 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर, दैट इज 1/1. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1. नेक्स्ट हम x की जगह x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5. x2 पुट करेंगे तो 1/1 प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, 1 प्लस 4 इज 5, 1/5 इज 0.2. x3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 1 प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 9 प्लस इज इक्वल्स टू 10, तो 1/10 इज 0.1. सिमिलरली आप 4 के लिए भी निकाल सकते हो एंड 5 के लिए भी. फॉर x इज इक्वल्स टू 6 ऑल्सो आप f of x6 निकाल सकते हो, विच इज 4 के कॉरेस्पॉन्डिंगली बाय 4 की वैल्यू होगी 0.0588. x5 के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके पास y5 की वैल्यू होगी 0.0385 एंड 6 के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके पास वैल्यू होगी 0.0270. इज इट राइट गर्ल्स? अब ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या होता है? h बाय 2 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, फर्स्ट ऑर्डिनेट इज दिस एंड लास्ट ऑर्डिनेट इज दिस, प्लस ट्वाइस ऑफ सम ऑफ रेस्ट ऑफ द ऑर्डिनेट्स. रेस्ट ऑफ द ऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर प्लस वाई फाइव, ठीक है. एच की वैल्यू 1/2 आ गई. एच की वैल्यू 1 है ना, और डिवाइडेड बाय 2, तो एच बाय 2 इज इक्वल टू 1/2. वाई नॉट की वैल्यू 1 प्लस 0.0270. वाई सिक्स की वैल्यू प्लस ट्वाइस ऑफ वाई वन की वैल्यू 0.5, 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.0, यहाँ पर वैल्यूज लिखी, ठीक है. जस्ट इनको सॉल्व करोगे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है. अगर मुझे यही मेथड, यही इंटरवल को सिम्पसन्स
वन थर्ड रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ता तो मैं क्या सबसे पहले चेक करती कि जो n की वैल्यू है वो इवन है तो हम सेंटेंस वन थर्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर n को कितने, n इज इक्वल्स टू सिक्स है, n इज इक्वल्स टू सिक्स है तो मतलब हम सेंटेंस वन थर्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो सिम्पसन्स वन थर्ड रूल क्या कहता है, जीरो टू सिक्स वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू, वन थर्ड है ना, तो एच बाय थ्री सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस ट्वाइस ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, तो वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स, ठीक है, ये हमने ले लिए फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट। अब इवन ऑर्डिनेट्स वाई टू एंड वाई फोर, तो आ जाएगा वाई टू प्लस वाई फोर प्लस फोर टाइम्स द सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स, ऑड ऑर्डिनेट्स क्या बचे, वाई वन, वाई थ्री एंड वाई फाइव, वाई वन, वाई थ्री एंड वाई फाइव, ठीक है। जस्ट वैल्यू सब्सिट्यूट करिए, एच की वैल्यू वन आएगी तो वन बाय थ्री, वाई नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या थी, दैट इज वन, और वाई सिक्स की दिस, तो वन प्लस जीरो पॉइंट टू सेवन जीरो प्लस ट्वाइस ऑफ वाई टू की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, इट इज़ जीरो पॉइंट टू, एंड वाई फोर की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो पॉइंट जीरो फाइव एट एट प्लस फोर टाइम्स द सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स, वाई वन की वैल्यू क्या है, जीरो पॉइंट फाइव प्लस वाई थ्री की वैल्यू क्या है मेरे पास, इट इज़ जीरो पॉइंट वन, एंड वाई फाइव की वैल्यू क्या है मेरे पास, जीरो पॉइंट जीरो थ्री एट फाइव। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे यही सेम इंटरवल इंटीग्रल सिम्पसन्स थ्री बाय एट रूल से सॉल्व करना होता तो एन शुड बी मल्टीपल ऑफ थ्री। सिम्पसन्स थ्री बाय एट रूल मैं तभी अप्लाई कर सकती हूँ जब एन की वैल्यू क्या होगी, मल्टीपल ऑफ थ्री, ठीक है। और यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, सिक्स, तो सिक्स इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री, तो मैं सिम्पसन्स थ्री बाय एट रूल अप्लाई कर सकती हूँ। तो सिम्पसन्स थ्री बाय एट रूल के अकॉर्डिंग जीरो टू सिक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, थ्री एच बाय एट सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट ऑर्डिनेट दैट इज वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन जीरो प्लस ये क्या है, वाई नॉट प्लस वाई सिक्स प्लस ट्वाइस ऑफ द इंटरवल विच इज मल्टीपल ऑफ थ्री, बचा क्या था, y1, y2, y3, y4, y5, तो मल्टीपल ऑफ थ्री तो y3 ही है ना, तो ट्वाइस ऑफ y3, y3 की वैल्यू क्या होगी, 0.1, तो यहाँ y3 प्लस फोर टाइम थ्री टाइम्स रेस्ट ऑफ द ऑर्डिनेट्स, ये भी यूज हो गया, ये भी हमने कंसीडर करी, ये भी कंसीडर करी, रेस्ट ऑफ दैट ये बचे, तो y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू प्लस y4 की वैल्यू एंड y5 की वैल्यू, ठीक है। दैट इज हमने क्या यूज़ करी, वाई वन, वाई टू, वाई फोर एंड वाई फाइव की वैल्यू। अब इनको एच की वैल्यू वन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, थ्री बाय एट, सिमिलरली यहाँ पर वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन जीरो है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट इज़ इक्वल्स टू वन पॉइंट जीरो टू सेवन जीरो प्लस ट्वाइस ऑफ जीरो पॉइंट वन प्लस थ्री टाइम्स ऑफ जीरो पॉइंट फाइव एंड जीरो पॉइंट टू इज जीरो पॉइंट सेवन प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.0973। जस्ट इनको सॉल्व करोगे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बस यही ध्यान रखना कि अगर हम सिम्पसन्स वन थर्ड अप्लाई कर रहे हैं तो एन की वैल्यू इवन होनी चाहिए, सिम्पसन्स थ्री बाय एट अप्लाई कर रहे हैं तो एन की वैल्यू मल्टीपल ऑफ थ्री होनी चाहिए, और ट्रेपेज़ॉइडल रूल में कोई कंडीशन नहीं है एन पर, इज इट राइट। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 8.1, that is using trapezoidal rule calculate the value of the integral within the limits 4 to 5.2 log x d of x, given that आपको टेबल दे रखे, ठीक है, कंपेयर इट विद द एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू क्या, आप log x के इंटीग्रेशन कर सकते हो ना, तो जस्ट log x का क्या करा, इसको 1 कंसिडर कर लिया, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करा, तो वहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू। और अगर हम ट्रेपेज़ॉइडल रूल से निकाल रहे हैं, सिम्पसन्स 3 बाय 8 रूल से निकाल रहे हैं, या सिम्पसन्स 1/3 रूल से अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमारे पास
एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी। तो जब भी हमें एरर निकालना होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप किसी भी मेथड से अप्लाई कर सकते हो, कंडीशन भी इनकी एंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो हमें मेंशन ही कर रखा है कि ट्रेपेजॉइडल रूल से करना है, तो हमने ट्रेपेजॉइडल रूल से करा। एन की वैल्यू कितनी हुई, कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड करा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 सब इंटरवल्स में डिवाइड करा एंड विड्थ कितनी है, एच इज इक्वल्स टू 0.2। ये वाई नॉट की वैल्यू है, ये वाई वन की, ये वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स। ठीक है, अब मुझे ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करना है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एच बाई टू। एच बाई टू मीन्स 0.2 डिवाइडेड बाई 2, सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट ऑर्डिनेट, दिस प्लस दिस प्लस ट्वाइस ऑफ द रेस्ट ऑफ द ऑर्डिनेट्स, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हुई। अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो जस्ट इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करा, यहाँ पर वन कंसिडर कर लिया। वन कंसिडर करने के बाद आइलेट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन विल बी लॉग फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन होगा, वहाँ से सॉल्व करा, आपके पास ये वैल्यू आ गई। इन दोनों को माइनस करोगे, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो आपके पास रिक्वायर्ड एरर आ जाएगा। इज इट राइट गर्ल्स? नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर फोर। इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 ई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय सिम्पसन्स रूल। 0 to 1 है ना, अब मुझे सिम्पसन्स रूल अप्लाई करना है, तो चाहे आप सिम्पसन्स 1/3 अप्लाई कर सकते हो या फिर सिम्पसन्स 3/8। मैंने यहाँ पर सिम्पसन्स 1/3 अप्लाई करा। सिम्पसन्स 1/3 क्या करता है कि इसको डिवाइड करता है इन इवन इंटरवल्स। इवन इंटरवल्स में करेगा, इवन इंटरवल्स में करेगा, तो मैंने इसमें 10 इक्वल पार्ट्स ले लिए। 10 इक्वल पार्ट्स इसलिए लिए क्योंकि अगर मैं 10 इक्वल पार्ट्स लिए तो चलो विड्थ आ गई 0.1। 6 इक्वल पार्ट्स लेते तो वो डेसिमल और डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट्स आ जाते, या आप 6 लेते या 8 लेते तो डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट्स आ जाती। मुझे पता है 10 अगर मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगी तो 0.1 आ जाएगा। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, की कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, हमने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। बट अब देखो यहाँ टेबल नहीं गिवन है, तो x की 10 इक्वल पार्ट्स में है ना, तो 0 पहली x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इंटीग्रल 0 to 1 e माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स में करा तो एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स, एक्स सेवन, एक्स एट, एक्स नाइन, एक्स टेन, 11। ठीक है, एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0। ठीक है, अब मुझे इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली पहले मैं स्क्वायर वाली टर्म है ना, फिर e की पावर माइनस वाली है, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर 0। नेक्स्ट x1 की वैल्यू क्या होगी, 0.1। 0.1 का स्क्वायर है 0.01। नेक्स्ट कम्स 0.2 क्योंकि विड्थ क्या है 2 की, तो 0.04। नेक्स्ट है 0.3, दैट इज 0.09। नेक्स्ट है 0.4, दैट इज 0.16। उसके बाद 0.5, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0.25। नेक्स्ट है 0.6 की कॉरेस्पॉन्डिंगली 0.36, 0.7, 0.49। स्क्वायर अभी कर रही हूँ मैं, अभी फंक्शनल वैल्यू नहीं निकाल रही। 0.8, देन 0.64, 0.9, 0.81। ठीक है, नेक्स्ट इज 0.1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1, तो 11 वाली फॉर्म करने की जरूरत है। अब मुझे वैल्यू क्या निकालनी है, e माइनस x का स्क्वायर, तो e की पावर 0 माइनस 0, तो वो तो 1 आ गया ना हमारे पास, तो ये तो 1 हो गया। e की पावर माइनस 0.01, यहाँ निकालना है e की पावर माइनस 0.04, e की पावर माइनस 0.09 एंड सो। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके बुक के लास्ट पेज पर, क्वेश्चन पेपर से पहले जो पेज है वहाँ पर एक टॉपिक है, टेबल बना हुआ है, दैट इज़ वैल्यू ऑफ e की पावर माइनस सिंबल। ठीक है ना, तो इससे फाइंड करेंगे। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आई वॉन्ट टू फाइंड e की पावर माइनस 0.01, तो माइनस वाली है 0.0 की 1 पर कितनी है 0.9900, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.9900। नेक्स्ट क्या है, e की पावर माइनस 0.05,
4, मतलब 0.0 का 4 पर, 0.0 का 4 पर, दैट इज 0.9608, 0.9608, ठीक है। नेक्स्ट इज e माइनस 0.09, तो 0.0 का 9 पर, 0.0 का 9 पर क्या आ रहा है, 0.9139, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0.9139। नेक्स्ट इज e की पावर माइनस 0.16, मतलब 0.1 का 6 पर, 0.1 का 6 पर इज दिस, दैट इज 0.8521, 0.8521, ठीक है। नेक्स्ट इज e की पावर माइनस 0.25, मतलब 0.2 का 5 पर, 0.2 का 5 पर इज दिस, तो दैट इज 0.7788, 0.7788। नेक्स्ट इज e की पावर माइनस 0.36, मतलब 0.3 का 6 पर, 0.3 का 6 पर, दैट इज 0.6970, 0.6970। e की पावर माइनस 0.49 का, 0.4 का 9 पर, 0.4 का 9 पर इज 0.6125, 0.6125, ठीक है। नेक्स्ट कम्स e की पावर माइनस 0.64 का, मतलब 0.6 का 4 पर, 0.6 का 4 पर इज 0.5278, 0.5278। नेक्स्ट कम्स e की पावर माइनस 0.81, मतलब 0.8 का 1 पर, 0.8 का 1 पर इज 0.44449। और अब 10 पर क्या है वैल्यू, 1, तो 1 पे, ये तो तब कंडीशन हो गई, ये टेबल तब यूज़ होगा जब हमारे m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, जब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो हमारे पास यहीं पर ही नीचे दे रखा है e की पावर माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 0.36788, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0.36788, इज इट राइट। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, सपोज करो e की पावर माइनस 1.25 चाहिए, तो आप इसको स्प्लिट करोगे e की पावर माइनस 1.00, e की पावर माइनस 0.25। अब यहाँ पर e की पावर माइनस 1.00 की वैल्यू तो ये हो गई, और 0.25 की मीन्स 0.2 का 5 पर, 0.2 का 5 पर ये आएगा। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, रिक्वायर्ड आंसर आ जाए, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर रिक्वायर्ड टेबल बन गया है विद ऑर्डिनेट्स वैल्यू ऑल्सो, तो जस्ट अब आपको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, h by 3 sum of first and last ordinate plus 4 times sum of odd ordinates plus twice the sum of even ordinates। यहाँ पर जो वैल्यूज यहाँ इन्होंने लिखी हुई हैं वो डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स हैं, मेरे पास जो टेबल था उसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट थी, तो आप वही कंसिडर करना, तो आपका आंसर भी एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेटली सेम आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो वैसे ही करना जैसे टेबल से फाइंड आउट करते हैं। पेपर के टाइम उस पेज की फोटोकॉपी लेके क्लास में जाना, सो दैट वहाँ पर जो एग्जामिनर होगा या टीचर होंगी कोई भी, उनको वो पेज दे देना, ताकि जब आप के पास भी क्वेश्चन आए तो आप उनसे वो फोटोकॉपी लेके उस पेज की जो जहाँ से e माइनस x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे थे, आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है गर्ल्स। सिमिलरली आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, दैट इज़ एग्जांपल नंबर 5 ऑल्सो, एग्जांपल नंबर 6 ऑल्सो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डू आस्क मी, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। ओनली दिस मच फॉर टुडे क्लास, थैंक यू।